गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। लेट्स लर्न विद डी ए, लेट्स लर्न विद डी ए, डी ए, डी ए। ठीक है, सो लेट्स लर्न विद डी ए में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अमीन्स। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया कल आपको अमीन करना स्टार्ट कर दिया। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने फिनिश कर दिया है एन सी आर टी बुक का। ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। ठीक है, आपकी बहुत काम आएगी ये चीज़, आई एम ग्रेंटीड, श्योर हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं अमीन। कल मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया था, आज हम लोग करेंगे इसकी फिजिकल प्रेपरेशन, प्रेपरेशन करेंगे। ठीक है ना, कल मैंने इसका इंटेक्चुअल क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करा दिया था आपको, वो भी करा दिया था मैंने साथ साथ में ना, ये जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने ये भी करा देती हूँ ताकि आपकी ना थोड़ी सी ना प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ में, जो टॉपिक पढ़ो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो उससे क्या होता है, उससे प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आपको ज़्यादा याद रहता है ना। लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट ना, हमारे लिए लर्निंग इम्पॉर्टेंट, सिर्फ कॉपी पे नोट्स बनाना थोड़ी ना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी तो घुसाना है, यहाँ पे घुसा होगा तभी तो पेपर लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे, ऐसे कौन लिखता, बिना आए लिख सकते हैं क्या पेपर, नहीं लिख सकता है ना। सो हम लोग कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स, आज आज का टॉपिक है हमारा प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स। सो अमीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मैथड, आपको पता चल गया है अमीन्स में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप्स होता है। ठीक है ना, नाइट्रो ग्रुप होते हैं अमीन्स में, और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी इसकी। ठीक है, इसके नोमेनक्लेचर पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है अमीन्स में, अमीन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप होता है। ये भगवान, मैं शांति की तलाश में भैया के कमरे में आई और यहाँ पे भी देखी इतनी इतनी है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें, पता नहीं क्या क्या ऑन करते रहते हैं, हद हो गई। चलो फिर, तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पढ़ लिया हुआ था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये अमीन्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द बाय द फॉलोइंग मैथड्स। तो फर्स्ट मैथड आपका आ गया रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। भाई नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस ही कर दो, बात ही खत्म। प्रेपरेशन करानी है हम लोगों ने अमीन्स की, अमीन्स कैसे कैसे बनते हैं। सो रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करवा के, नाइट्रो कंपाउंड किसी एराइल्स या फिर एसाइल्स में से, एसाइल नहीं है यहाँ पे, एराइल ग्रुप ही लिया हुआ है, तो एराइल में से क्या करना है हम लोगों ने, रिड्यूस करा देना नाइट्रो ग्रुप को, तो फिर हमको अमीन मिलेगा। कैसे मिलेगा करो, सो रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड कैसे होएगा, नाइट्रो कंपाउंड और रिड्यूस करना, रिड्यूस करेंगे हम लोग, रिड्यूस टू अमीन्स बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसको पास करेंगे हाइड्रोजन गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड, किससे किससे, निकल से, निकल और पैलेडियम। हम लोग ऐसे कैटलिस्ट निकल और पैलेडियम यूज़ करते हैं, प्लैटिनम भी यूज़ करते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं ये वाली रिएक्शंस ना, है ना। सो नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू अमीन्स बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम या और, एंड ऑल्सो रिडक्शन, इसको हम लोग रिड्यूस करवाते हैं, एंड ऑल्सो बाय रिडक्शन विद किसके साथ, कौन सा वाला, मेटल इन द एसिडिक मीडियम, मेटल्स इन द एसिडिक मीडियम को पास करवा के भी हम लोग क्या करा सकते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं नाइट्रो ग्रुप की। ठीक है ना, तो नाइट्रो एल्केन्स कैन भी क्या होता है, कैन ऑल्सो बी सिमिलरली रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइन अमाइंस। ठीक है ना, एल्क अमाइंस, ठीक है, क्या हो गया, नाइट्रो एल्केन्स को हम लोग कहाँ से सिमिलरली रिड्यूस करा सकते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल अमाइंस से। ठीक है ना, तो ये आपका पहले तो नाइट्रो बेंजीन ले लिया इन्होंने, नाइट्रो बेंजीन में डाल दिया, या तो हाइड्रोजन गैस डाल दिया या तो पैलेडियम डाल दिया, फिर इथेनॉल डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये रिडक्शन हो गई और हमारे पास मिल गया अमीन। ठीक है, ये एराइल बेंजीन बन गया। ठीक है, एराइन एल्की अमीन बन गया हमारे पास। ठीक है, बेंजीन ग्रुप में इसमें अमीन ग्रुप लग गया, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से नाइट्रो ग्रुप लिया और इसमें डाल दिया इन्होंने साइनाइड। SN क्या था, SN क्या होता है, निकल पैलेडियम, SN क्या होता है, पैलेडियम होता है क्या, मैं भूल गई, SN बता दो आप लोग, बता दो मुझे। ठीक है, निकल, निकल तो नहीं होता, SN यार मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल जाता है, पता एक बार, एक दो बार ही ना मेरे पास, मेरे साथ ना ऐसा इंटरव्यू में भी हुआ, रे क्या होती है, क्या मुझे पता नहीं है रे क्या होती है, बट आंसर वर्ड ही नहीं आ रहा मुँह से, ऐसा होता। ठीक है, तो ये HCl हो गया और ये हो गया FeHCl डाल दिया, या तो फिर CHCl डाल दिया, ये आयरन डाल दिया, आयरन प्लस एसिड डाल दिया, तो या तो फिर ये क्या है, साइनाइड है ये, SN साइनाइड है या फिर क्या है, मेटल है ना, मेटल है SN, और इनको फिर से हमको अमीन मिला, वापस मिला। सो ये आ गया आपका रिडक्शन विद द आयरन स्क्रैप,
स्क्रैप, आयरन की फिलिंग्स या आयरन की स्क्रैप, हम लोगों ने वो टेंथ पे पढ़ा हुआ ना, वो जो हम लोग वो जो करते हैं क्या बोलते हैं उसको, आयरन फिलिंग डालते थे इसका सोलोनाइड के आसपास, इलेक्ट्रिक वो जो मैग्नेटिक बार के आसपास, उसका वो देखने के लिए, रिंग्स देखने के लिए हम लोग डालते थे नहीं, स्क्रैप, आयरन स्क्रैप ऐसा ही है कुछ, ठीक है। एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड बिकॉज FeCl2 Fe क्या है, आयरन क्लोराइड फॉर्म्ड गेट हाइड्रोलाइज हो जाती है टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देने के लिए वो हाइड्रोलाइज हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू द रिएक्शन, एंड दस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकल जाता, रिक्वायर्ड जरूरत रहती है इन द इंटायर रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमोनिया डाला एल्काइल हैलाइड में, ऊपर हम लोगों ने एराइल, ठीक है, एराइल वाली रिंग ली थी, ये हम लोग एल्काइल वाली रिंग ले रहे हैं, एमोनोलिसिस ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं हैंकी नहीं लेकर आई, ओके छोड़ो। अच्छा, सो यू हैव रीड यूनिट नंबर 10, आपने क्लास 11th 12th में पढ़ लिया है, दैट द कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स जो होते हैं इन एल्काइल और बेंजील हैलाइड कैन बी ईजली क्लीव्ड हो जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, पढ़ा था, पढ़ा हुआ यूनिट 10 में, ठीक है, वो ईजली क्लीव्ड हो जाते हैं बाय द न्यूक्लोफाइल, क्या, बेंजील बेंजाइल और बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, वो आराम से क्लीव्ड हो जाते हैं, मतलब उतर जाते हैं, निकल जाते हैं बाय द न्यूक्लोफाइल, हेंस क्या हो जाता है, एंड एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड जो होते हैं ऑन रिएक्शन विद द किसके साथ, इथनोलिक सोल्यूशन में ऑफ एमोनिया अंडरगोज करते हैं न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एंड दिस प्रोसेस ऑफ द क्लीवेज ऑफ द CH बॉन्ड क्या होता है बाय द एमोनिया मॉलिक्यूल, इसको बोला जाता है एमोनोलिसिस, मतलब एमोनिया को जो रिमूव करता है उस प्रोसेस को बोला जाता है एमोनो, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द सील्ड ट्यूब, ये जो रिएक्शन है वो सील्ड ट्यूब में कैरी की जाती है, एंड ये क्या है प्राइमरी अमीन जो होता है दस ऑब्टेन बिहेव एज अ न्यूक्लोफाइल, ये जो प्राइमरी अमीन है ये न्यूक्लोफाइल की तरह बिहेव करता है, एंड देन फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड द टेरेशरी अमाइंस बनाने के लिए, एंड फाइनली क्वार्टनरी एमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया न्यूक्लोफाइल, न्यू न्यूक्लोफाइल आ गया, और ये किसके साथ है, ये एल्काइल हैलाइड आ गया, ठीक है। न्यूक्लोफाइल जो है, ये जो है अमोनिया है, न्यूक्लोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, न्यूक्लोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना एक आयन जो है वो ये किसको दे रहा है, इसको दे रहा है, तो ये क्लीव्ड हो गया, है ना, एल्काइल ग्रुप, ये हैलाइड ग्रुप जो है वो क्लीवेज होगी इसकी, ठीक है, इसकी क्लीवेज होगी, और हमको मिला सब्स्टिट्यूएंट एमोनो अमोनियम सॉल्ट मिल गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट मिल गया, ठीक है ना, क्या है ये RNH3X नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट आ गया, आपका ये आपका आ गया RNH3 आ गया, और RX हो गया R2NH, ये देखो RNH3 हो गया, R के साथ अमोनियम ग्रुप लगा हुआ है, इसमें से एक H रिमूव कर दिया तो RX डाल दिया, RX क्या है, अल्काइल हैलाइड, है ना, अल्काइल हैलाइड हो गया, तो हमारे पास R2 हो गए, RR सेम है, ठीक है, तो ये हो गया NH रिमूव करके हम लोगों ने RX निकाल लिया ना, फिर उसके बाद फिर से रिमूव करा दिया, ऐड करा दिया, इससे X H को लेके भाग गया, है ना, वो बना दिया एसिड बना के H को लेके भाग जाता है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी भाग गया, और फिर से डाला, और फिर से क्या था, बचा हुआ था नहीं, अब फिर से खुद ही लग गया, अब H था नहीं, कहाँ भागेगा, तो उसके साथ खुद ही लग गया, तो R जो है वो क्वार्टनरी बन जाता है, मतलब वही बताया ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फिर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बना दिया इसने, ठीक है। सो फ्री अमाइंस जो हैं कैन बी ऑब्टेन करे जाते हैं फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, फ्री अमाइंस बनाए जाते हैं, कैन बी ऑब्टेन बाय अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, फ्री अमाइंस को बनाया जाता है, ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग बेस ये आ गया, ये तुम्हारा NH3X' आ गया, ठीक है, इसको हाइड्रोनियम अमोनियम क्या है ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, है ना, इसके साथ रिएक्शन करवाई इसकी, तो ये बन गया RNH2 हो गया, साथ में पानी निकला और यहाँ पे हमारा सॉल्ट भी निकल गया, ठीक है। तो ये जो एमोनोलिसिस है एज अ डिसएडवांटेज, इसको डिसएडवांटेज है इसको निकालना, याइड करना इन द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी और टेरेस्ट्रियल माइंस में, एंड ऑल्सो क्वार्टनरी में भी अमोनियम सॉल्ट, हाउएवर
क्या होता है, प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया. मतलब प्राइमरी अमाइन जो है वो मैक्सिमम निकल जाता है. वो क्या करता है, हाउएवर प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलाइड्स क्यों होता है, ये होता है आर आई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आर बी आर जो है वो उससे कम है और आर सी एल जो है वो उससे कम है. इस तरह से रिएक्टिविटी है इसकी. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है. रिएक्शन ऑफ इथनोलिक एनएच थ्री एग्जाम्पल है, कराया हुआ है, आंसर भी है इसका, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. पढ़ूँ उसके लिए, पढ़ूँ आपके साथ है. चलो पढ़ती हूँ. राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑफ क्या है, इथनोलिक एनएच थ्री विद सी टू, मतलब इथिलीन क्लोराइड है ना, इथीन क्लोराइड आ गया इसका. तो देखो ज़रा क्या रिएक्शन है, देख लेते हैं. हाँ ठीक है, ये आपका आ गया बड़ा करूँ, ये आपका आ गया ना क्लोरोइथीन, ये आपकी आ गई क्लोरोइथीन आ गया. इसमें डाला अमोनिया, अमोनिया से निकला हमारा इथीन अमाइन. जो ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन की ना, ये उसकी रिएक्शन की एग्जांपल आई है, ठीक है. तो ज़रा मौसम चेंज हो रहा है ना, नाक वाक सबके ब्लॉक है, ठीक है. यहाँ पे इथिलीन डाला था, अब हमारे पास इथिलीन एमाइन आ गया. उसके बाद हम लोगों ने इसमें डाला क्या, डाला ये डाला, ठीक है, इथिलीन क्लोराइड डाल दिया. उसके बाद हमको इसकी वजह से क्या मिला, हमको डाई इथिलीन अमोनियम मिल गया. ये एन इथाइल इथाइल इथेन एमाइन मिल गया, इथाइल इथेन एमाइन मिल गया. उसके बाद इन्होंने फिर से डाला, ये फिर से डाला, ऊपर किया ना हम लोगों ने बार बार आर एक्स डाल रहे थे, टेरेशरी प्राइमरी टेरेशरी और सेकेंडरी, फिर उसके सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी टेरेशरी और लास्ट में क्वार्टनरी मिल रहा. तो ये वही चीज़ कर रहे हैं ये, देखो फिर से डाल दिया और फिर से हमको ये टेरेशरी ग्रुप मिल गया एंड एंड डाईथाइल इथाइलमीन इथिलमीन एंड फाइनली मिल गया हमको क्वार्टनरी, ये मिल गया जिसमें से कोई भी एच नहीं है, एच ग्रुप जो है वो हट गया सारा, ये तीन टाइम साइड पे आ गए और ये एन सी एल आ गया, सॉल्ट की तरह बन गया, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट आ गया, ठीक है. जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे सॉल्ट आ जाता है, ठीक है. ये रिएक्शन एग्जांपल आ सकती है आपको. अब ये सेकेंड वाला पार्ट है इसका, ये आपका अमोनोलिसिस ऑफ द बेंजाइल क्लोराइड एंड द रिएक्शन ऑफ द अमीन सो फॉर्म्ड विद द टू मोल ऑफ सी एच थ्री सी एल, ठीक है. तो क्या हो गया, ये आपका आ गया, क्या है ये, अमोनोलिसिस ऑफ द बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमीन सो फॉर्म्ड विद द टू मोल ऑफ सी एच थ्री सी एल हो गया. तो ये बेंजाइल क्लोराइड आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आ गया बेंजाइल क्लोराइड, इसमें डाला अमोनियम एंड ये आपका आ गया बेंजाइल अमीन, ठीक है, टू सी एच थ्री सी एल हो गया और इसमें डाल दिया फिर एन एन डाई मिथाइल फिनाइल मिथाइल अमीन हो गया, ठीक है ना, एन एन डाई मिथाइल फिनाइल मिथ मिथेन अमाइन हो गया, ठीक है ना ये, ओके. यहाँ पे तीन टाइम ही है, ऊपर वाली रिएक्शन में चार टाइम आ गया था लेकिन इसमें तीन टाइम ही है. तो ये बेंजाइल था, एराइल ग्रुप, बेंजाइल एराइल ग्रुप होता है, पता है ना, छः याद रखा करा करो. नेक्स्ट रिएक्शन आपकी रिएक्शन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है ना. नेक्स्ट रिएक्शन आपकी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स नाइट्राइल्स, ठीक है. तो ये आपकी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल होगी. नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है. इसकी रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ और द कैटलिस्टिक हाइड्रोजनेशन के साथ प्रोड्यूस्ड प्राइमरी अमाइन को प्रोड्यूस करते हैं. दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द एसेंट ऑफ द अमीन सीरीज, ठीक है, दैट इज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स कंटेनिंग वन कार्बन आटम मोर देन द स्टार्टिंग अमीन्स. मतलब मीन्स द रिएक्शन इज यूज फॉर द एसेंट ऑफ द अमीन सीरीज की तरह यूज होता है, दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ द अमीन्स कंटेनिंग वन कार्बन आटम मोर देन द स्टार्टिंग अमीन की तरह यूज होता है. समझ आई इस लाइन की, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमीन, मतलब अमीन की प्रेपरेशन के लिए जिसमें एक कार्बन प्रेजेंट होता है मोर देन द अमीन स्टार्टिंग अमीन से एक कार्बन ज़्यादा होता है उसके लिए, उससे रिएक्शन करानी है, मतलब रिडक्शन करानी है हमने नाइट्राइल ग्रुप की. ये आपका आ गया, ठीक है, नाइट्राइल आ गया आपका आर सी एन, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप आ गया. इसमें करा दिए इन्होंने ये, या तो ये कैटलिस्ट डाले, क्या क्या डाले, एच टू एन वन एन आई एन आई निकल, या तो हाइड्रोजन या तो निकल डाला और या तो सोडियम मरकुरी अमलगम अमलगम
ठीक है ना, और ये आपका आ गया अल्कोहल आ गया, ठीक है, इथनोल आ गया। फिर इसको हमको ये मिला जो हम बना रहे थे, अमीन ग्रुप मिल गया इससे, RCH2NH2, यही चीज़ लिखी है। नेक्स्ट है आपका एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन करानी है, एमाइड की रिडक्शन करा देनी है। एमाइड ग्रुप क्या होता है, NH2 ही होता है, तो द एमाइड ऑन रिडक्शन विद द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगेन है, नहीं है, यहाँ पे भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा होता हुआ था, यहाँ पे भी, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ था, और द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस करता है प्राइमरी एमाइड, ठीक है ना। तो ये फिर से करेंगे हम लोग, देखेंगे, रिडक्शन ऑफ एमाइड ऑन रिडक्शन विद द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, याइड करते हैं अमाइंस, एंड इससे क्या होता है, RC डबल बॉन्ड NH2 हो गया, लिथियम AlH2 हो गया, और ये H2 हो गया, ये आपका आ गया, हमारे पास वापस आ गया। इसमें क्या डाला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये याद रखा करा करो, जो कैटलिस्ट है, ये बहुत ईजी सी ये है, रिएक्शंस है, बहुत ईजी है। प्रेपरेशन में क्या करना होता है, आपने कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, क्या क्या कैटलिस्ट डाले, नाम याद रखने हैं, रिएक्शंस अपने आप ही बनना शुरू हो जाती है माइंड में, हमको पता है। ये देखो हम लोगों को याइड क्या करना है, हमको ये पता है, ठीक है, किस चीज़ से करना है वही नाम आ जाता है, ठीक है, कैटलिस्ट याद रखना है बस, बाकी तो ईजी है, इसमें कुछ है नहीं है, बस ईजी है। और यही रिएक्शन जो है वो पीछे जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है उनसे मिलती जुलती रिएक्शन है, मतलब सारी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती रिएक्शन है ना, जो पहले प्रेपरेशन हो रही थी यहाँ पे उससे क्या बोल रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, है ना, सारी मिलती जुलती है ना एक दूसरे के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी कैटलिस्ट होते हैं जरूरी, जो जरूरी होते हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, जरूरी हो गए, बस बाकी इसी में बेस है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका आ गया गैब्रियल फेलेथमाइड सिंथेसिस, ठीक है, नेम रिएक्शन है ना, नाम बड़े 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 नाम वाला, सो नाम है इसका, आ जाओ, हाँ, गैब्रियल PH फेलेथमाइड, ठीक है, फेलेथमाइड सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल फेलेथमाइड सिंथेसिस, ठीक है। सो गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, इसको यूज किया जाता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। सो फेलेथमाइड ऑन ट्रीटमेंट, इसको क्या किया जाता है, होता क्या है, पहले मैं बता देती हूँ, ये आपका ये किया था हम लोगों ने फेलेथमाइड, पहले भी पढ़ा था ऊपर में नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया मैंने इसको, आई नो इतनी जल्दी याद नहीं रहता, आई नो, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, नहीं रहता, कोई बात नहीं, नहीं रहता तो नहीं रहता, दो बार याद करेंगे, तीन बार याद करेंगे, है ना, टेंशन क्या है, दो तीन बार ही पढ़ेंगे अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अभी फिर से पढ़ो, गैब्रियल फेलेथमाइड याद हो गया, है ना। सो गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, फेलेथमाइड ऑन ट्रीटमेंट किसके साथ करनी है, इथनोलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, पोटाशियम सॉल्ट मिलेगा, किसका, फेलेथमाइड का पोटाशियम सॉल्ट, मतलब पोटाशियम लग जाएगा इसके साथ, और क्या होगा, विच ऑन हीटिंग विद द एल्काइल हैलाइड, उसको फिर से करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीटमेंट, ठीक है ना, फॉलोडेड बाय द किसके साथ, एल्काइन हाइड्रोलिसिस को फॉलो करेगा ये, ठीक है, एंड प्रोड्यूस करेगा कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाई दिस मैथड, अच्छा, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैनॉट बी प्रिपेयर बाई दिस मैथड, क्यों, क्योंकि ये जो एराइल हैलाइड होते हैं डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे नहीं जाते हैं ये, इसलिए इनको हम लोग कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इनको नहीं बनाया जाता है, अच्छा, सिंपल वाले एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को सिंपली नहीं बनाया जाता है, इसलिए ऐसा वाला लिया, ठीक है ना, क्यों नहीं करता, इसका रीज़न है बिकॉज एराइल हैलाइड जो होते हैं वो डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, विद द एनाइन के साथ नहीं जाते हैं, सो दैट्स बाई फॉर्म्ड बाय द फेलेथमाइड, ठीक है। सो अजीब से नाम, फिनाइल हो गया ना, PH से फिनाइल हो गया, थैलेमाइड हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे दो हमारे पास कार्बोजाइलिक ग्रुप लगे हैं, एमाइड ग्रुप एक ही लगा हुआ है, तो इसको क्रिया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट, एंड हमको मिला ये पोटाशियम सॉल्ट,
बात की थी ऊपर हमने अभी पढ़ा, थियरी में पढ़ लिया था है ना। फिर उसमें डाला एल्काइल हैलाइड, उसके बाद हमको मिला एन एल्क एल्काइल फिलेथेमाइड, ठीक है, एन एल्काइल फिलेथेमाइड मिल गया। ये देखो ध्यान से देखो, पोटाशियम सॉइड हट गया और आर लग गया, इसकी जगह बस ये आ गया और बाकी सेम ही रहा, सबका सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला, ये देखो ये आर ग्रुप है ना, सिंपल सा ग्रुप है, ये माइड ग्रुप नहीं है, ये दूसरा वाला है, फिलेथेमाइड नहीं है, ये सिंपल वाला है। इसमें आर एन ए ओ एच डाला तो इससे ये निकला, ये निकला, ठीक है, वन डिग्री अमीन्स निकला। मतलब वो जो बोल रहे थे ना कि नहीं निकलता, वो है वो ही बोल रहे थे, ये जो है ये बोल रहे थे एरोमेटिक, ये इसकी बात कर रहे थे ना, इन्होंने एग्जांपल के साथ दे दिया आपको कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो होते हैं कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइड्स डू नॉट गो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं जाता है, एनाइन बना देते हैं। तो ये एग्जाम्पल में यही शो कर रहा है, ये देखो एनाइन बना दिया इसने, ठीक है ना। सो दिस इज द रीज़न इट इज़ नॉट अंडरगोज दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। लास्ट है प्रेपरेशन ऑफ अमीन, ये है लास्ट है सिक्स नंबर पे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमा बी आर ओ एम ए एम आइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। हॉफमैन डिवेल्प कर रहे, हॉफमैन ने डिवेल्प किया है, पहले ने गैब्रियल ने किया है, दूसरा हॉफमैन ने डिवेल्प किया है मैथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द प्राइमरी अमाइंस बाय ट्रीटिंग एन अमाइड विद, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन द एक्वस और इथनोइक सोल्यूशन के साथ ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन, इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या हुआ, माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एराइड ग्रुप हो जाती है, टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन एंड उससे क्या होता है ऑफ द अमाइड ऑफ द नाइट्रोजन आटम, फिर उससे क्या होता है मीन सो फॉर्म्ड कंटेन वन कार्बन लेस देन दैट ऑफ द प्रेजेंट इन द अमाइड, क्या होता है कि द अमीन सो फॉर्म्ड, ये जो अमीन बना ना कंटेन जिसमें एक कार्बन लेस देन द प्रेजेंट इन अमाइड, एक कार्बन लेस हो गया। चलो पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ के पता चल जाएगा हमको। ये आपका आ गया अमाइड, ठीक है, इसमें डाला ब्रोमीन, इसमें डाला हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। फिर उसके बाद हमको मिला ये आर एन एच थ्री एन एच टू मिल गया, ठीक है, अमीन मिल गया हमको, फिर ये सोडियम कार्बोनेट अलग हो गया, सेपरेट हो गया, सॉल्ट मिल गया, एन ए बी आर हो गया है ना, बी आर इसके साथ भी लग गया, और उसके बाद पानी भी मिल गया हमको। तो यही चीज़ बताई इसने, तो नाम क्या था इसका, हॉफमैन ब्रोमाइड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन होगी ना ब्रोमाइड ग्रुप की, ठीक है, रिएक्शन, ओके। सो ये लास्ट थी, तो हम लोगों ने प्रेपरेशन कर ली, ठीक है, अच्छे से प्रेपरेशन कर ली, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन लिख के दो हमको इस कन्वर्सेशन की। तो ये क्या है, ये हमारा है मिथेन इथिलाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोरोइथेन भी बोला इसको, इन टू इसको बना के दिखाओ हमको, तो देख लो कैसे बनता है क्लोरोइथीन ने क्लोरोइथीन में, यहाँ से आधी आधी बताती हूँ। तो ये आपका आ गया क्लोरोइथीन हो गया, इथनोलिक एन ए सी एन हो गया, साइनाइड हो गया, तो प्रोपेन नाइट्राइल हो गया आपका, ठीक है, एन ए सी एल डाला, इथनोलिक एन ए सी एल डाला, एन ए सी एन साइनाइड ग्रुप, फिर एन जो है वो इसको हटा के, सी एल को हटा के, एन ए सी एल को हटा के सॉल्ट बन के निकल गया, तो सी एन साइनाइड ग्रुप इसके साथ लग गया, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल हो गया है ना, एक और कार्बन लग गया ना, एक और सी लग गया, तो यहाँ पे रिडक्शन हुई, ठीक है, रिडक्शन होने के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है और एच लगता है, पता है ना डेफिनेशन रिडक्शन की, एच आता है ऑक्सीजन जाता है, तो रिडक्शन यहाँ पे रिडक्शन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे एच आ रहा है, इसलिए एच आ गया, यहाँ पे प्रोपेन वन अमीन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, यह आपका हो गया क्लोरोफिनाइल मिथेन आ गया, क्लोरोफिनाइल मिथेन हो गया, बेंजाइल क्लोराइड हो गया, इथनोलिक एन ए सी एन हो गया, तो इससे क्या मिला हमें, फिनाइल थीन नाइट्राइल हो गया, बेंजाइल साइनाइड हो गया, ठीक है, बेंजाइल साइनाइड हो गया, एच टू एन आई हो गया, तो ये आपका आ गया टू फिनाइल इथीन एमाइन हो गया, ठीक है, इथीन एमाइन हो गया। ध्यान से देख लो, यहाँ पे भी साइनाइड ग्रुप चला गया, साइनाइड ग्रुप इसके साथ आ गया, फिर एच टू हो गया, एच टू आया, एन आई गया तो एन आई कैटलिस्ट के डाला, तो टू फिनाइल इथिलीन इथीन एमाइन हो गया, ओके। नेक्स्ट है ये भी एग्जांपल ही है, इसको पढ़ लो,
चलो मैं पढ़ देती हूँ आपको. एग्जाम्पल नंबर कौन सी है, 13.3 है. राइट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर भी बताओ और उसका IUPAC नेम भी बताओ ऑफ द फॉलोइंग. बताओ द एमाइड विच गिव प्रोपेनमाइड बाय हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है. प्रोपेनमाइड कंटेन 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन होते हैं, हेंस एमाइड मॉलिक्यूल्स मस्ट कंटेन 4 कार्बन आटम. बिल्कुल. एंड स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC नेम ऑफ द स्टार्टिंग एमाइड ऑफ 4 कार्बन आटम आर गिवन बिलो. ये आ गया ब्यूटेनमाइड आ गया उसका. ठीक है ना, ठीक है. नेक्स्ट आपका आ गया द एमीन प्रोड्यूस बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ द बेंजाइल एमाइड. उसका नाम बताओ, एमीन. तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये आपका आ गया बेंजाइल एमाइड. बेंजाइल एमाइड इज एन एरोमेटिक एमाइड कंटेन 7 कार्बन आटम. ठीक है, हेंस क्या होता है, एमीन फॉर्म हो जाता है और बेंजील एमाइड हो जाता है. मतलब यहाँ पे जो 7 कार्बन थे, एक यहाँ था ना पहले, ठीक है, वो हट जाता है, फिर उसके बाद ये बन जाता है बेंजील एमाइड इज एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कंटेनिंग 6 कार्बन एटम हो गया. ठीक है, तो इंटेक्स क्वेश्चन है ये एक. चलो ये भी करा ही देती हूँ आपको. कितना टाइम हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी करा दूँगी आज मैं, तो एक सेकेंड. ये आपका वाइट बोर्ड आ गया, तो मैंने कहा मैं आपको करवाऊंगी अभी क्वेश्चन, तो इसको ले लेती हूँ. इसी बोर्ड के ऊपर लिखते हैं ना, कोशिश करते हैं इसी के ऊपर आने की. ये आपका क्वेश्चन नंबर है 13.3. ठीक है, 13 लिखने की ज़रूरत है, 3 आ गया. तो इसके कुछ पार्ट्स हैं. हाउ विल यू कन्वर्ट, फर्स्ट आपका पार्ट है बेंजीन. बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू NLN में. ANILINE, बड़ा स्लो चलता है ये बोर्ड वाला, यही वाला ले लेती हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन लिख दिया, अब इसका साफ साफ नहीं लिखा जा रहा है इससे ना, दैट्स राइट. तो ये आपका बेंजीन आ गया. ठीक है, क्या आपका आ गया, बेंजीन आ गया. इससे ठीक है, ये थोड़ा फास्ट लिख रहा है तो हैंडराइटिंग भी अच्छी पड़ रही है. डिजिटली ऐसा ही हो सकता है ना, साफ साफ नहीं आता. तो ये आपका इसमें क्या डालेंगे, हम लोग डालेंगे एनिलीन बनाना ना, तो इसमें क्या डालेंगे हम लोग, कंसनट्रेटर डालेंगे HNO3 डालेंगे. किसी और कलर का लूँ, थोड़ा फैंसी बनाऊँ उसको. चलो थोड़ा फैंसी बनाता है, रेड कलर का लिखती हूँ, पर्पल ले लेती हूँ. इसमें डाला हम लोगों ने कैटलिस्ट, ओ इसमें डाला कंसनट्रेटेड HNO3 डाल दिया, या प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया है. ठीक है ना, प्लस उस पर टेम्परेचर दिया 333 केल्विन, नाइट्रेशन कराई इसमें, NITRATION नाइट्रेशन हो रही है. ठीक है, फिर से ब्लू. तो हमको मिला नाइट्रोबेंजीन. क्या मिला, नाइट्रो, नहीं नहीं यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला नाइट्रोबेंजीन. क्या मिला, ये नाइट्रोबेंजीन. लिखने की जरूरत है, मेरे पास स्पेस कम हो जाएगी, नहीं तो मैं नहीं लिख रही. ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, खुद लिख लो. फिर इसमें फिर से मैं पर्पल लेती हूँ, तो इसमें डाला हम लोगों ने फिर से फर्दर FeHCl. HCl इसको कराया रिडक्शन प्रोसेस, REDUCTION. ठीक है, रिडक्शन करा रहे हैं हम लोग. फाइनली हमको मिला, क्या मिला, छोटा सा लिख दूँ यहाँ पे नीचे, एनालिन मिल गया. छोटा सा बना रही हूँ, ठीक है, ये हमको मिला एनालिन. NH2 इसका नाम लिख सकती हूँ मैं साइड पे, ANILINE. ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हुआ है ना, फर्स्ट पार्ट इसका है ना. ये नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे है जगह थोड़ी सी, नाइट्रो NITROBENZENE. ठीक है, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन. क्लियर हो गया आपको, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, है ना. आगे चले, नेक्स्ट पार्ट है, इसी को ले लेती हूँ, ये रहने देती हूँ, किसी काम का नहीं है. सो नेक्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है आपका बेंजीन, BENZENE, बेंजीन इनटू किसको करना है, N डाई मिथाइल NLN, ANILINE. ठीक है ना, तो डाइमिथाइल एनालिन आ गया आपका, ये आपका आएगा. पहले लेना बेंजीन, ठीक है, कौन सा लूँ, रेड पेन लेती हूँ, चलो
यहाँ पे उल्टा सिस्टम हो रहा है, आंसर रेड पेन से लिख रही हूँ। ये आपका आ गया बेंजीन आ गया, ठीक है। एज अबव मतलब एज अबव कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री डाला हम लोगों ने, कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री प्लस क्या डाला, कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर डाल दिया, साथ में 333 केल्विन टेम्परेचर, नाइट्रेशन हो गई, एन आई टी आर ए टी आई ओ एन, ऊपर वाला जैसे पहले किया था। फिर उसके बाद हमको मिला क्या, मिला नाइट्रोबेंजीन एन एच टू मिल गया। फर्दर क्या कराया हम लोगों ने, माइनस एच टू एच आई रिलीज हो गया, एक्सक्यूज मी, एंड सी एच थ्री आई डाला था हम लोगों ने एज अ कैटलिस्ट, और हीट भी किया इसको, ठीक है। और दो मोल ही डाले इसमें से, टू मोल्स, ओके। एंड फाइनली हमको मिला, ठीक है, इसके बाद हमको नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन था, ठीक है। फाइनली हमको मिला, छोटा सा बना दूँ या इसको साफ करती हूँ, ये बना, फाइनली हमको मिला ये एन एन डाई मिथाइल ए एन आई एल आई एन एनलिन एन सी एच थ्री, डाई मिथाइल है ना, सी एच थ्री ए एस से करके, ठीक है। ये मिला हमको वो जो एरो के बाद। सो थर्ड रिएक्शन है आपकी, थर्ड रिएक्शन है आपकी, क्या नाम था इसका, थर्ड का तीन ही है ना, हाँ तीन ही है, सी एच टू फोर टाइम सी एल इंटू एच ई एक्स ए एन ई हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन, इसमें कन्वर्ट करना। तो नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कुछ इस प्रकार का आएगा, प्रकार आएगा, ये आपका आ गया सी एल सी एच टू फोर टाइम्स सी एल, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कैटलिस्ट डाला, क्या डाला, 2KCN, और उसको डाला हीट भी किया इसको, ठीक है। उसके बाद डाला हम लोगों, माइनस हो गया इसमें से, KCl माइनस हो गया, ठीक है, निकल गया। तो हमारे पास आया, ये मैं ब्लू से लिखती हूँ, एन सी सी एच टू फोर टाइम्स सी एन, ठीक है, नाम है इसका हेक्सेन एच ई एक्स एन ई हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल डी आई एन आई टी आर आई एल ई नाइट्राइल एल आई है नाइट्राइल। फाइनली इसके बाद क्या मिला, इसके बाद क्या मिला, फिर उसके बाद हम उन्होंने क्या किया, इसमें कैटलिस्ट फिर से डाला, क्या क्या डाला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, क्या डाला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर, फिर फर्स्ट एंड सेकंड में क्या डाल दिया, हाइड्रेशन हो गया, आयन डाल दिया इसमें से। फिर हमको फाइनली जो मिला वो मिला ये मिला एच टू एन सी एच टू 6 टाइम एन एच टू जो है हमारा हेक्सेन एच ए एच ई एक्स ए एन ई हेक्सेन 1,6 डायमाइन, ठीक है, ओके फाइन। सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी है, थोड़ा सा ही है फिजिकल प्रॉपर्टीज, करा दूं क्या, क्या बोलते हो, करा देती हूँ यार, छोड़ो पढ़ना ही है, करा देती हूँ। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, किस दिखने में कैसा होता है, तो पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है भाई, लोअर एलिफेटिक एमीन्स क्या होते हैं, द लोअर एलिफेटिक एमीन्स क्या होते हैं, आर गैसियस होते हैं और फिशी स्मेली, कितना फिश की तरह वाटर होती है उसकी स्मेल, गंदी सी होती है उसकी, फिशी स्मेल होती है, ठीक है। प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं,
विद थ्री और मोर कार्बन आटम, प्राइमरी अमीन जिसमें तीन और ज़्यादा, तीन से ज़्यादा कार्बन आटम होते हैं, वो लिक्विड रहते हैं, मतलब लोअर वाले गैस होते हैं उससे हायर वाले लिक्विड होते हैं, ठीक है. स्टिल हायर वंस आर सॉलिड, और उससे ज़्यादा बड़े वाले सॉलिड होते हैं. एनालिन्स एंड अदर एराइल अमाइंस क्या आते हैं, वो यूजुअली कलरलेस होते हैं. जो एनालिन होता है, एनालिन और अदर एराइल अमाइंस होते हैं, दिखने में कलरलेस होते हैं बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. अच्छा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने के बाद वो कलर आ जाता है, कलर्ड हो जाते हैं. लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल मतलब लोअर वाले सॉल्युबल होते हैं पानी में, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ. हाउएवर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ द अमीन इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू द साइज ऑफ द, साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है. हायर अमीन्स आर एसेंशियली इनसॉल्युबल, मतलब बड़े बड़े अमीन्स होते हैं वो पानी में घुलते नहीं है, ठीक है. कंसीडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन को कंसीडर करें ऑफ द अमीन एंड ऑक्सीजन अल्कोहल की कितनी कितनी, 3 और 3.5 रिस्पेक्टिवली, यू कैन प्रेडिक्ट द पैटर्न ऑफ द सॉल्युबिलिटी. मतलब हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन एंड अल्कोहल की इन वाटर की कैसी होगी. आउट ऑफ द ब्यूटेन वन ओल, आउट ऑफ द ब्यूटेन वन ओल या फिर ब्यूटेन एंड ब्यूटेन वन अमीन विच विल बी मोर सॉल्युबल. अब क्वेश्चन आ गया ना आपको, यहाँ से क्वेश्चन आया एक कि ब्यूटेन वन ओल एंड ब्यूटेन वन अमाइन कौन सा वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा और क्यों होगा. अमीन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अमीन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, अल्कोहल्स में, ईथर में एंड बेंजीन में, ये जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है. इनमें यू मे बी रिमेंबर दैट अल्कोहल आर मोर पोलर देन अमीन, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था अल्कोहल जो होते हैं वो मोर पोलर होते हैं अमीन से एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, ठीक है ना. प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स क्या रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स, सॉरी फॉर दैट, मेरा नाक मैं क्या करूँ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, ठीक है. प्राइमरी और सेकेंडरी कहाँ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन आर एंगेज इन द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन में एंगेज होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर, नाइट्रोजन ऑफ वन और हाइड्रोजन ऑफ अनदर की मॉलिक्यूल की वजह से. सो देयर इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर हो जाती है प्राइमरी अमीन में देन इन द सेकेंडरी अमीन से. एंड देर आर टू हाइड्रोजन आटम होते हैं अवेलेबल इन द किसमें, फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर. एंड टर्शियरी अमाइंस डू नॉट हैव द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन, टर्शियरी अमाइंस की इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन अच्छी नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड की एब्सेंस की वजह से. सो ये जो अवेलेबल होते हैं फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में अवेलेबल होते हैं, देयर फॉर द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमीन्स आर एस फॉलो, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि प्राइमरी सबसे पहले, सेकेंडरी उसके बाद में, इंटरेस्ट्री उसके बाद में. क्या है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी, यहाँ पे शो हुई है, मतलब प्राइमरी वाला ज़्यादा सॉल्युबल होता है ना पानी में उसकी, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये दिया हुआ. प्राइमरी अमाइन देखो एक दूसरे के साथ किस तरह से वो ओवरलैप कर रहा है, एन एच ग्रुप बना रहा है, यहाँ पे भी एन एच ग्रुप बना रहा है, यहाँ पे भी एन एच ग्रुप बना रहा है. हमको पता ही है अमाइन क्या है, आर एन एच टू है, वो देखो किसने अच्छे से बॉन्डिंग बनाई है इन्होंने, है ना, हाइड्रोजन नाइट्रेशन की बॉन्डिंग बनाई हुई है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइन. लेकिन बाद में कैसा होता है, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एच एच कम होते जाते हैं तो बॉन्डिंग कम हो गई, सिंपल है ना. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन अल्कोहल एंड एल्केन्स आर ऑलमोस्ट द सेम होती है, मॉलिकुलर मास होता है इसमें, कंपेरिजन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन करें तो ये आपका आ गया बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन कर रहे हैं, किसका कंपेरिजन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अमीन्स अल्कोहल एंड एल्केन्स. तो ये देखो हाँ, थोड़ा चार्ट दिया हुआ आपको, 1, 2, 3, 4, 5 कंपाउंड्स, मॉलिकुलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. सो ये आपका आ गया, क्या है ये, 4 कार्बन है, ठीक है, अमीन लगा हुआ है इसके साथ, तो ये 73 मॉलिकुलर मास है. ये देखो इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, ध्यान से देखो, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम है, इसका 310 है, इसका 329 है, 29 क्या होता है, 29, ये आ गया 350, 350, और ये क्या है, 4 times, इसका 74 मॉलिक्यूलर मास है, इसका 2 है, इसका 300 है, और इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट थोड़ा सेम है, ठीक है. तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अमीन ग्रुप.
ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन होता है, अमीन ग्रुप, ये छोटा टॉपिक है, होपफुली जल्दी जल्दी खत्म हो जाए. सो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, हम लोगों ने प्रेपरेशन ऑफ द अमीन ग्रुप पढ़ लिया है. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. समझ आया है तो प्लीज़ टू शेयर, कमेंट करके बता देना मेरे को, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता देना आपको समझ आया ही नहीं आया, और आप और क्या समझना चाहते हो, किस तरह से समझना चाहते हो, मेरे को ये भी बता देना. एंड सेकंड थिंग, प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करा करा करो. एंड मेरी सारी वीडियोस पढ़ी हुई हैं, जो भी मैंने पिछले चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म करा दिया, आई मीन लास्ट है उसमें, थोड़ा सा दो तीन और टॉपिक्स आ रहे हैं, पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल मैं कंप्लीट करा दूँगी ये, ठीक है ना. तुम्हारी ट्वेल्थ की केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है. सो क्या होगा उससे, उससे आपका ही है ना. तो मेरा दूसरा चैनल भी है funzilla.com, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो क्या करना है, funzilla.com नहीं है, आर्ट्स चेंज कर दिया मैंने, आर्ट्स कर दिया है, ठीक है. वो मेरा आर्ट चैनल है और ब्लॉग्स चैनल है, ठीक है. और दूसरा लेट्स लर्न विद डीए, तो आपको पता चल ही गया है, डीए मैं हूँ, दीपिका आनंद, लेट्स लर्न विद, ठीक है, डीए, ठीक है. डू क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है. एंड क्या करना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दो, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है ना, आपकी वीडियोस मिस ना हो. सो अभी बस करते हैं, ठीक है ना, और करते हैं बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा कल नए टॉपिक के साथ, केमिकल रिएक्शंस के साथ, ठीक है. सो टाटा, बाय बाय, सी यू.